Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. And यहाँ भी देख सकते हैं चार बॉम्ब है, इसका बारूद निकाल दिया गया लेकिन ओरिजिनल बॉम्ब। Hey guys, welcome back to my new vlogs. मेरा नाम है मुकेश सिंह और स्वागत करता हूँ हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइज मैं रहता हूँ विशाखापट्टनम में, आप जानते हो। तो आज एक और टूरिस्ट प्लेस पे मैं आ गया हूँ आप लोगों को घुमाने के लिए। तो मैं आज आया हूँ INS कुरसुरा S20 के पास, जो कि भारतीय नौसेना का पांचवा पनडुब्बी है। तो उसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी देते, क्योंकि ब्लॉग उसी पे आज होने वाला है। तो गाइज INS कुरसुरा S20 जो कि 18 दिसंबर 1969 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो कि 31 साल तक सेवा में रहा। उसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया, जो कि 17 फरवरी 2001 को इसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन 31 साल की सेवा में काफ़ी योगदान दिया, जो कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भी काफ़ी योगदान दिया। तो गाइस इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो टोटल 300 फीट लंबा है और समुद्र में 300 मीटर तक नीचे तक जा सकता है। गाइस टोटल 75 मेंबर को लेकर चला करती थी, जिसमें 8 अधिकारी हुआ करते थे और 67 नाविक हुआ करते थे। तो गाइस ओवरऑल टोटल जानकारी यही है। और यहाँ पे एक भैया है जो कि पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, जो ऑलरेडी इसमें काम किया करते थे। गाइस तो चलिए उनसे मिलते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल में उनसे जानकारी लेते हैं। गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, और अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पे जो नए होंगे वो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि मैं अपने चैनल पर ज़रूर नए नए वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चलिए भैया से मिलते हैं और उसके बारे में पूरा कम्प्लीट जानकारी देते हैं। और इसको एंट्रेंस करने के लिए आपको पहले 40 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है, और अगर आपके पास कैमरा है तो 200 रुपीज़ पैड करना पड़ेगा। टोटल हो गया 240 चार्ज देकर के आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, केवल आपको सिंगल देखना है, तो 40 रुपीज़ पर एडल्ट चार्ज है। तो गाइस चलिए भैया से मिलते हैं और उसके बारे में कम्प्लीट जानकारी देखते हैं कैसे देते हैं भैया। तो गाइस देख सकते हैं कुछ एंट्रेंस इस टाइप का है, यहाँ से आपको अंदर आना है। आने के बाद ये सामने जो है टिकट काउंटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से टिकट लेना है। DSLR कैमरा का 200 रुपीज़ चार्ज है, आप देख सकते हैं। वीडियो अगर रिकॉर्डिंग करते हैं आप, यहाँ पे 200 चार्ज है। कैमरा सिंपल 50 रुपीज़, एडल्ट 40 रुपीज़ एंड चाइल्ड 20 रुपीज़ चार्ज है। तो गाइस कुछ इस टाइप का यहाँ पे बना हुआ। दोनों तरफ से हम लोग कर सकते हैं। ये ट्यूब्स हैं, टाइपर ट्यूब्स, इसके अंदर बम डाल के फायर करते लाइक दिस। हाँ
एक टायर ब्लॉकर लंबा है 9 मीटर, वजन 2 टन, रेंज 11.5 किलोमीटर, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, सेल्फ गाइडेड टायर ब्लॉकर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 6 लोडेड जो बम थे यहाँ पे है, लेकिन ये ओरिजिनल है, लेकिन अभी इसका बारूद को हटा दिया गया। एंड इधर 12 स्टैंड है, स्टैंड बम है, लेकिन इसका बारूद इसको भी हटा दिया गया। तो ये ओरिजिनल है, लेकिन इसके अंदर का बारूद को हटा दिया गया। और कुछ अंदर का व्यू आप देख सकते हैं इस टाइप का, फुली एसी है। टच करने से ब्लास्ट, पर वार का टाइम तो ऐसे करेगा ना, हार्बर को बचानेगा, पीछे से दुश्मन भाग के आएगा तो माइंस में तो पहले के ब्लास्ट होते हैं ना, राइट। टच कर
पीछे भी चार दुश्मन को दोनों तरफ से हमला कर सकते, आगे और पीछे दोनों तरफ बॉम्ब। गाइस यहाँ भी देख सकते हैं चार बॉम्ब है, इसका बारूद निकाल दिया गया लेकिन ओरिजिनल बॉम्ब, टोटल 22 बॉम्ब लेकर के चला करती थी सबमरीन। गाइस यहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जो सामने ओरिजिनल एंट्रेंस है, मतलब सबमरीन में अंदर जाने का रास्ता ओरिजिनल वही है। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जो सबमरीन में जो काम करते थे भैया, उन्होंने कंप्लीट जानकारी आपको दी। वो ऑलरेडी सबमरीन में 20 साल काम करके
रिटायर कर गए, तो उन्होंने पूरा जानकारी आपको सबमरीन के बारे में दी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। उन्होंने बताया कि कैसे सबमरीन वर्क करता है, 6 आगे बॉम्ब लेकर चला करता था और 4 पीछे लोडेड बॉम्ब लेकर चला करता था गाइस, और 12 एक्स्ट्रा बॉम्ब लेकर चला करता था, तो टोटल 22 बॉम्ब लेकर चला करता था। टोटल जानकारी उन्होंने दी, कैसे लाइफ जैकेट वर्क करता था गाइस उसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया, इंजन कैसे काम करता था जिसमें 2 इंजन इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन के बारे में उन्होंने जानकारी दी, बैटरी कितना था उसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। एंट्रेंस कैसे था इसमें सबमरीन में उसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, जरूर होगी गाइस क्योंकि पूरा डिटेल में जानकारी उन्होंने दी। तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपने चैनल पे नए नए वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो गाइस आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।